हेलो एवरीवन, मैं दयानंद इंजित आप सभी का डिटेक एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग ने वीडियो के थंब पे और टाइटल से देखा होगा कि हम लोग आज एक्यू के जो रिजल्ट्स आते हैं उसमें एसजीपीए क्या होता है उनको समझते हैं, एसजीए कैसे फाइंड आउट करना उसको समझते हैं, और एसजीपीए से परसेंटेज कैसे होता है, सीजीपीए टू परसेंटेज। बहुत सारे लोग कहते हैं 9.5 से मल्टीप्लाई कर दो सीजीपीए टू परसेंटेज कन्वर्ट हो जाते हैं, बिल्कुल फेक है, बिल्कुल मिथ्या है, वो नहीं होगा। तो हम लोग जानेंगे किस तरह से एसजीपीए कैलकुलेट होगा और किस तरह से हम लोग सीजीपीए टू परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं और एसजीपीए और सीजीपीए में क्या अंतर होता है और आपको किस तरह से मार्क्स लाने हैं कि जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में अच्छे सीजीपीए आए। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास बोर्ड पे एक यू का मार्कशीट है जो कि सेमेस्टर एग्जाम्स के मार्क्स इसमें है और ये रियल है। आपको एक्यू पटना का ये रिजल्ट है एक जिसमें टोटल दिखाया है। ये जो ईएसई होता है ये एक्सटर्नल मार्क्स में जो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में जो मार्क्स आते हैं वो इंडिकेट किया गया है, ये इंटरनल एग्जामिनेशन में जो मार्क्स आते हैं वो इंडिकेट, और ये रियल रिजल्ट है और इसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह से। और ये टोटल है और ये ग्रेड है और ये क्रेडिट है और ये ग्रेड पॉइंट और एसजीपी क्या होता है ये हम लोग समझेंगे। ये रिजल्ट में नहीं होता लेकिन रिजल्ट कैलकुलेट के लिए ग्रेड पॉइंट और एसजीपीए का क्या इंपॉर्टेंस होता है। सबसे पहले तो एसजीपीए का फुल फॉर्म जान लेते हैं। एसजीपीए का होता है सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज। आप लोग का जो रिजल्ट आता है वो एसजीपीए में आता है तो उसका मतलब क्या होता है, सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज। और सीजीपीए क्या होता है, सीजीपीए जितने भी एसजीपीए होते हैं उसके एवरेज होते हैं सीजीपीए। तो हम लोग चर्चा करेंगे कि ये एसजीपीए जो कैलकुलेट होती है ना वो किस तरह से होती है, उसमें ग्रेड पॉइंट क्या है, ये जो सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट जानते हैं ये ग्रेड पॉइंट क्या है, और एसजीपी क्या है, एसजीपी का मतलब हुआ सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट। तो इसको कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे हम लोग जो किस तरह से ये जो एसजीपीए कैलकुलेट हुआ और 8.15 जो आया आप लोग नहीं जानते हो, आप लोग को बस पता है ये रिजल्ट है इतना एसजीपीए होता है, लेकिन ये कैलकुलेट किस तरह से होता है, किस प्रोसेस से होता है ये सबसे बड़ी बात है। और आपको बताते हैं ये जो मेथड बताने वाले हैं ये कहीं भी आपको ना यूट्यूब पे मिलेगा ना आपको एपीयू में बताएगा ना ही आपको किसी सीनियर सर से पता चलेगा। पहली बार इतना सारे चीज रिसर्च करके बनाए हैं आप लोगों के लिए। तो देखिए किस तरह से हम लोग करते हैं। ग्रेड पॉइंट सभी यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है, ये जो ग्रेड पॉइंट है ना ये सभी यूनिवर्सिटी का अलग अलग। एक यू पटना का हम लोगों ने जो ग्रेड पॉइंट बनाया है अभी हम पूरा ग्रेड पॉइंट डिस्कस करके जितना भी रिजल्ट था उसको एनालिसिस करके हमने ग्रेड पॉइंट तैयार किया और वो ग्रेड पॉइंट बिल्कुल परफेक्ट है। आप कोई भी रिजल्ट ले लो उस पर ग्रेड पॉइंट बैठाओ आपको ग्रेड पॉइंट मिल जाएगा। तो हम ग्रेड पॉइंट सबसे पहले डिस्कस कर देते हैं जो ग्रेड पॉइंट होता क्या है एक यू के अनुसार। देखिए ये जो ग्रेड मिलता है हमारा ए ए बी सी डी पी फेल जो भी ग्रेड मिलता है उस पे पॉइंट डिनोट करता है जो भी यूनिवर्सिटी होती है। तो देखिए जितने भी ग्रेड्स होते हैं ग्रेड पॉइंट लिखते हैं हम ग्रेड पॉइंट। तो हमको अगर ए ग्रेड मिलता है मान लीजिए किसी को, सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी में कितने ग्रेड होते हैं, ए प्लस ग्रेड होते हैं, ए ग्रेड होते हैं, बी ग्रेड होते हैं, सी होते हैं, डी होते हैं, इसके बाद पास होता है और इसके बाद फेल होता है। इतने सारे ग्रेड आपको मिलने देखने को मिलेंगे जितने भी आपने एग्जाम दिया जितने भी रिजल्ट आते हैं। अब सारे पे पॉइंट होता है, इनका ग्रेड पॉइंट होता है, ये पॉइंट कितना आता है। तो अगर आपको ए प्लस आता है दैट मीन्स आपने 10 पॉइंट्स ऑब्टेन किए, अगर आपको ए आता है तो आपने 9 ऑब्टेन किए, बी आता है तो आपने 8 पॉइंट किए, सी आता है तो 7, डी आता है तो 6 और पी आता है तो 5 पॉइंट्स। देखिए ये पॉइंट सीरियली है और ये हम लोगों ने अपने एनालिसिस करके बनाया है और ये एकदम परफेक्ट है। और आप अगर फेल होते हैं तो आपको 0 मिलता है पॉइंट, अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको कोई भी पॉइंट नहीं मिलते हैं, अगर आप पास होते हैं तो 5, अगर डी लगता है तो 6। तो देखते हैं कितना कितना नंबर पे, अगर आप ए प्लस आने का मतलब 100 में 90 प्लस मार्क्स आता है तो आपको ए प्लस आएगा, 80 प्लस मार्क्स आता है तो आपको ए आएगा, बी आने के लिए 70 प्लस मार्क्स चाहिए, सी आने के लिए 60 प्लस मार्क्स चाहिए, डी आने के लिए 50 प्लस मार्क्स चाहिए, और 50 बिलो और पास तक, टिल पास तक 50 बिलो आपको पास कर देगा। तो ये 50 माइनस हो गया और ये फेल होने का जो भी क्राइटेरिया है किसी भी यूनिवर्सिटी का
फेल दैट मीन्स फेल। तो ये चार ब्रो तो बेसिक चीजों देखे हम लोग, ग्रेड क्या होता है, ग्रेड पॉइंट क्या होता है। अब ग्रेड पॉइंट से हम लोग एसजीपी किस तरह से निकालते हैं, तो चलिए देखिए एक जो रिजल्ट है उसको हम लोग एनालिसिस करते हैं। इसको एक्सटर्नल में 57 और इंटरनल में 27, टोटल 84 आया। 84 दैट मींस 80 प्लस। यहाँ पे देखिए 80 टू 90 के बीच कोई भी आपको मार्क्स आ जाए आपको ग्रेड ए ही मिलेगा। तो ये चीज का हमेशा ख्याल रखिए, आपका 84 है या 89 भी कायम हो आपको ग्रेड क्या मिलेगा, हमेशा ए। देखिए 80 प्लस में हमने क्या बात किया, 80 प्लस में ग्रेड ए मिलता है, तो ग्रेड ए आया भी है यूनिवर्सिटी से। और क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट यूनिवर्सिटी के अनुसार से डिसाइडेड है, हर सब्जेक्ट का क्रेडिट डिसाइड है हर पेपर का, तो वो अपना क्रेडिट दिया हुआ वो क्रेडिट 3 है। तो ग्रेड पॉइंट देख लेते हैं, ग्रेड पॉइंट हम लोग इसमें बैठा देते हैं, ग्रेड पॉइंट हमारा कितना आएगा, 9 आएगा। इसी तरह से फिर यहाँ पे 84 मार्क्स आए हैं तो ए ग्रेड आया, ए ग्रेड में कितना ग्रेड पॉइंट, 9। यहाँ देखिए 66 मार्क्स आया, 66 मार्क्स के लिए कितना ग्रेड आया, सी। सी पे हम लोग देखते हैं कितना होगा, 7। इसके बाद कौन सा आया, बी। देखिए 74 मार्क्स है, तो 74 मार्क्स कितना हो जाएगा, 70 प्लस में क्या है, बी। बी के लिए कितने ग्रेड पॉइंट, 8 यूज करते हैं। फिर ये देखिए 74 75 कोई डिफरेंस नहीं है, इसके लिए भी 8 ही यूज होगा। और ये देखिए 68 मार्क्स आया, 68 मार्क्स दैट मींस सी में आता है 60 प्लस, तो 68 से 69 भी हो ना तब भी सी ही होगा और इसका क्रेडिट 7 ही जाएगा। और नीचे जो होता है ना ये प्रैक्टिकल सेक्शन होता है, ये तो थ्योरी सेक्शन था, ये प्रैक्टिकल सेक्शन है। प्रैक्टिकल में भी आपको एक्सटर्नल जो आते हैं एक्सटर्नल मार्क्स देते हैं फिर इंटरनल मार्क्स देते हैं। ये टोटल होता है 50 मार्क्स है, तो 50 मार्क्स में क्या होता है ना, अगर 45 प्लस हो तो आपका ए प्लस होता है, सीधे इसका हाफ हो जाता है, 45 प्लस ए, 40 प्लस ए प्लस होता है, 40 प्लस में ए हो जाएगा, तो इसमें ए ए ए प्लस मिला, दैट मीन्स ए का क्रेडिट कितना होता है, देखिए 9 होता है, 9 होता है और ए प्लस का 10 हुआ। अब टोटल एसजीपी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, एसजीपी किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो एसजीपी को कैलकुलेट करने के लिए जितना क्रेडिट है और जितना आपका ग्रेड पॉइंट है दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देते, जितना क्रेडिट और जितना ग्रेड पॉइंट है दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते तो आपका क्या निकलता है, एसजीपी निकलता है। एसजीपी कितना हो जाएगा, 3 × 9 = 27, 3 × 9 = 27, 7 × 4 = 28, 8 × 4 = 32, 8 × 4 = 32, 7 × 4 = 28। ये वन सेक्शन का हो गया थ्योरी का। अब हम लोग प्रैक्टिकल में आते हैं, प्रैक्टिकल में 9 × 2 = 18, 9 × 2 = 18 और 10 × 1, देखिए क्रेडिट 1 है तो ये 10 होगा। टोटल को हम लोग सम कर लेते हैं, टोटल सम कितना होगा, तो वो आपका कितना निकले, एसजीपी निकलेगा, सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट आपका उतना होगा। आपके रिजल्ट में सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट नहीं दिखाता है, लेकिन जब आप फाइनल ईयर में जाओगे आपको जो ग्रेड कार्ड मिलेंगे, ग्रेड कार्ड फाइनल ईयर में मिलते हैं जब आप पास कर जाते हैं, उसमें हर एक सेमेस्टर का एसजीपी आपको दिया जाएगा, तो आप उससे पहले ही जान सकते हैं आपका एसजीपी कितना है। तो देखिए कितना होगा, जो भी आपका टोटल सम होगा वो आपका एसजीपी होगा। टोटल जो हम लोग मार्क्स इसको ऐड करते हैं, आप लोग भी ऐड करिएगा, तो ये आपको आएगा 220 मार्क्स। ये आपका ग्रेड पॉइंट हुआ, ये 220 जो है ना ये आपका क्या है, ग्रेड पॉइंट है। आपको लास्ट सेमेस्टर में जब भी आपको जब रिजल्ट होगा, जब फाइनल ईयर हो जाओगे तो ये ग्रेड पॉइंट सबका, तो ये आपका ग्रेड पॉइंट हुआ। अब हम लोगों ने ग्रेड पॉइंट फाइंड आउट कर लिए हैं, अब हम लोग को क्या निकालना है, सीजीपीए निकालना है और एसजीपीए। तो सबसे पहले एसजीपीए होता है सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट, ये तो एक सेमेस्टर का रिजल्ट हुआ ना, सीजीपीए होता है सभी सेमेस्टर को मिला के, तो एसजीपीए निकालते हैं। एसजीपीए के लिए क्या होता है, आपका जितना भी ग्रेड पॉइंट है 220 डिवाइडेड बाय आपका टोटल क्रेडिट कितना है, टोटल क्रेडिट हम लोग ने ऐड किया था कितना था 27। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, आप कैलकुलेट करिएगा तो एग्जैक्ट आपको 8.15 आएगा। और हम अभी जस्ट कैलकुलेट कर दे रहे हैं, आपको फोन दीजिएगा। ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेट करने के बाद क्या आता है, 8.148148 आता है। और इसको आप अगर राउंड अप करते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद दो डेसिमल
डेसिमल के बाद 2 पॉइंट जो भी इसको राउंड ऑफ करने पे कितना आ जाएगा 8.1, और इधर तो राउंड ऑफ कर लेंगे तो 5। ये आपका एसजीपी है। और आप कोई भी रिजल्ट हो आपका, आपने रिजल्ट पे इस तरह से आप एनालिसिस करके चेक करो आपका ये एसजीपी आता है कि नहीं है, और टोटल ग्रेड पॉइंट जो आते हैं उसको भी आप याद रखिए ग्रेड पॉइंट क्या होता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे जो सीजीपीए या एसजीपीए से हम लोग परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, एसजीपीए या सीजीपीए से परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इसके लिए आप हमारे चैनल पे बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरह की लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारे साथ डिपटेक एकेडमी के साथ बने रहे। आपको जितने भी सेमेस्टर की तैयारी है, सारी सेमेस्टर की तैयारी, गेट की भी तैयारी, और जितने भी इंजीनियरिंग और डिप्लोमा रिलेटेड है सब यहाँ से डे बाय डे आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।